हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं मुमरा के बाबाजी पाटिल वाड़ी स्कूल में, जहां पर जो है शिवसेना की ओर से बाला साहेब वैद्यकीय मदद कक्ष और सांसद श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से एक महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। दोपहर के इस वक्त तक अब तक लगभग 2.5 से 3 हज़ार लोग इस शिविर में आ चुके हैं। शाम 5 बजे तक ये आंकड़ा 5 से 6 हज़ार तक भी जा सकता है। हर तरह की छोटी से लेकर बड़ी बीमारी, छोटे से लेकर के बड़े ऑपरेशन तक की सुविधा जो है इस कैंप में, इस महारोग्य शिविर में शिवसेना के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। थाने जिले के अंदर और खास करके सांसद श्रीकांत शिंदे का जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, उस पूरे कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर ये अब तक का जो है 10वां महारोग्य शिविर है। पिछले 1.5 वर्ष से ये महारोग्य शिविर जगह जगह जो है जो शिवसेना की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर हेल्थ की फील्ड में जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहा पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने, सांसद श्रीकांत शिंदे ने और उनके मातहत काम करने वाले बाला साहेब वैद्यकीय मदद कक्ष के लोग और तमाम दूसरे पदाधिकारियों ने, आप देखेंगे हमारी इस खबर में। सर, शिवसेना और सांसद श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से आपने आज ये महारोग्य शिविर का आयोजन किया था सर, तो कैसा रिस्पांस रहा लोगों का और किस तरीके से जो है ये आयोजन सफलपूर्वक रहा आपका? आज इस मुमरा में शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर महारोग्य शिविर का आयोजन किया है और लोगों के तादाद देखते हुए मतलब लोगों को बहुत ज़रूरत थी यहाँ पर इस शिविर की, इस कैंप की, तो आज अभी मुझे लगता है 2000 तक लोगों की वहाँ पर चेकअप हो चुके हैं, तो एक अच्छा सफल कैंप इस मुमरा में रहा है ये। और आने वाले समय में और भी ऐसे कैंप अगर लगेंगे मुमरा में, कलवा में, कौसा में, तो हम लोग करेंगे। और इस कैंप में 180 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है। यहाँ पर लोगों को मुफ्त में इलाज भी, चेकअप भी तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ भी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ भी मुफ्त में हैं। फिर उसके बाद जो लोगों को सर्जरीज लगेंगी चेकअप करने के बाद, किसी को हार्ट सर्जरीज लगेंगी, किसी को आँख की सर्जरीज लगेगी, किसी को स्टोन की सर्जरी लगेगी, जो भी सर्जरीज लगेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप के माध्यम से हम लोगों की करके देंगे। और आपको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि ये जो कैंप है वो हम वंदनीय बाला साहेब ठाकरे वैद्यकीय मदद कक्ष इस नाम से हमने 1.5 साल पहले शुरू किया और 1.5 साल में अलग अलग विभागों में जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है कैंप की, वहाँ वहाँ हमने लोगों पूरे इस ठाणे ज़िला में कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। और हर एक कैंप होने में 4-5 हज़ार लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे, लाभ उठा रहे, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा काम शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर शुरू किया है। और जिस जिस लोगों को हेल्थ केयर जो है वो गरीब लोगों को बहुत महंगी पड़ती है, तो इस कैंप के माध्यम से जो लोगों को हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज जो है वो करवाना नहीं जमता, तो इस कैंप के माध्यम से उस लोगों को, उन लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने का काम शिवसेना कर रही है। और एक अच्छी बात है कि 2 दिन पहले हमने कल्याण में जो दिव्यांग लोग हैं, बुमराह के भी उसमें कई लोग थे, तो उन 1000 लोगों को हमने वहाँ पर जो साइकिल है, हियरिंग एड है, किसी को आर्टिफिशियल लेग है, आर्टिफिशियल पाव है, तो ये सब जो सोशल वर्क है वो शिवसेना के माध्यम से हाथ है, वो तो सभी को एक अच्छा कैंप वहाँ पर कल्याण में हुआ। और एक शिवसेना के माध्यम से सोशल, जो हमेशा बाला साहब ठाकरे कहते थे कि 80% सोशल वर्क करो और 20% पॉलिटिक्स करो, तो वो हमेशा हम करने की कोशिश करते हैं, उसी का ये जो आज कैंप का जो आयोजन किया है, आने वाले समय में अभी अगले महीने में कलवा में होगा, फिर कौसा में होगा, फिर कल्याण ग्रामीण में होगा, ये पूरे जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये कैंप हम करते रहेंगे, आयोजित करते रहेंगे। और आज तक इस कैंप के माध्यम से मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों की सेवा इस कैंप के माध्यम से हो चुकी है, अब तक हो चुकी। और सर्जरीज मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में लोगों की सर्जरीज हो चुकी है, तो आप भी लोगों तक ये जो वैद्यकीय मदद कक्ष जो है वो पहुंचाने का काम, ये नाम पहुंचाने का काम लोगों तक करें। इसका जो ऑफिस है वो कोपरी में है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास भी नंबर है, वो नंबर भी आप लोगों को अगर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके कारण मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट भी की स्कीम्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, कैंसर रिलीफ फंड,
और एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सिद्धिविनायक ट्रस्ट है, अलग अलग जो ट्रस्ट है उसके भी माध्यम से हम लोगों को सेवा देने का काम, वहाँ से फंडिंग करने का काम करते हैं। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सर, आपके मार्गदर्शन में शिवसेना की तरफ से मुमरा में ये इतना बड़ा कैंप पहली बार आयोजित किया गया, तो इसमें कैसा लोगों का आपको प्रतिसाद मिल रहा है और किस तरह की लोग जो है भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने? खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और उनके टीम ने इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर ये मेडिकल कैंप का फ़ायदा लेने के लिए यहाँ मौजूद है। यहाँ पर सभी डॉक्टर यहाँ पर है, पूरी टीम डॉक्टरों की है, 200 डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं और ये सभी प्रकार की जांच यहाँ पर होगी और मुफ्त में मेडिसिन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बावजूद सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, यहाँ पर चश्मा वाटप भी हो रहा है और इसके बाद जो आगे की जो ट्रीटमेंट है, किसका ऑपरेशन है, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, आँखों के ऑपरेशन है, किसी भी बीमारी के जो ऑपरेशन करना है वो भी इसके बाद मुफ्त में इस कैंप में किया जाएगा। जहाँ जहाँ डॉक्टर है, जहाँ जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी, उसके अंदर भी आगे की जो ट्रीटमेंट है वो भी इसमें ये कैंप के माध्यम से हो रही है। इसलिए ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन और शिवसेना आयोजित यह बड़ा कैंप का आयोजन यहाँ हुआ है। ऐसे कैंप का आयोजन थाने में, ज़िले में कई जगह पे हो रहे हैं और इसलिए हजारों के संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होकर इसका लाभ उठा रहे। मैं यहाँ खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, यहाँ के MLA डॉक्टर सुभाष भोईर, हमारे जिला प्रमुख गोपाल लांडगे और सभी यहाँ के हमारे पदाधिकारी, इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बड़े पैमाने पर ये मुमरा में मुफ्त में इलाज कराना, मुफ्त में दवाई लेना, चश्मा लेना और फर्दर जो ट्रीटमेंट है ऑपरेशन वगैरह कराना, ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। इसके बाद भी ऐसा ही जो मेडिकल कैंप है आगे भी इसका आयोजन करते रहे और परसों के दिन कल्याण में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के माध्यम से दिव्यांग जो लोग हैं वहाँ कम से कम 1000 जो दिव्यांग है उनको साइकिल है, आर्टिफिशियल लेग है, हैंड है, स्मार्टफोन है, इसका वितरण किया गया है। ये मेरे ख्याल से पहला खासदार होगा जिन्होंने केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हजारों दिव्यांग बांधव जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनको राहत देने का काम किया है। और यहाँ मुमरा से कई लोग वहाँ पर उस कैंप में गए थे, उन्होंने भी उसका लाभ उठाया है। ऐसा ये हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप है, आगे की जो ट्रीटमेंट है शिवसेना के माध्यम से आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। काका, शिवसेना के माध्यम से जो है थाना जिला में अलग अलग जगह ये महारोग्य शिविर कैंप जो है आयोजित किए जा रहे हैं, इनमें कोई ऐसी बड़ी केसेस हमें बताइए जो शिवसेना के माध्यम से, बाला साहेब वैद्यकीय मदद कक्ष के माध्यम से जो है गरीब लोगों के बड़े केसेस जो है वो सॉल्व किए गए, हल किए गए, ऐसी कोई केस बताइए आप। धन्यवाद, आपने यहाँ आकर जो ये बाबा जी सखाराम पाटिल विद्या मंदिर में जो ये महाआरोग्य शिविर कैंप चालू है उसमें आप लोगों से मिले, उनको भी पूछा, दवा और डॉक्टरों के तरफ से उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है और उनको दवाइयाँ भी दी जा सकती है। अभी ये थाने ज़िले में 10वां कैंप है, ये 10 कैंप जो हुए इसमें जो हमको रुग्ण मिले हैं, जैसे कि जिनको हृदय की बीमारी है, अस्थि की बीमारी यानी हड्डी की बीमारी है या और कुछ बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उसको हमेशा अच्छी तरह से उसका उपचार किया जाता है। महात्मा फुले जो सरकार की योजना है उसके होता है, बिना मूल्य होता है, यह इसकी खासियत है। अभी आपके सामने देखो, आँखों देखा आयना काय को, ये देखो सामने ये पेशेंट है, इनका नाम है अशोक रघुवेल दलवी, ये अहमदनगर ज़िले के यानी ग्रामीण इलाके से आए हुआ पेशेंट है और इनका जो बेटा है वो बहुत छोटा बेटा है, 6 महीने का, उसका नाम है आदित्य। इसको हमारे जो मंगेश चिवटे जी है, कहाँ गए मंगेश जी, मंगेश जी, ये मंगेश जी चिवटे के पास ये हमारा जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्थापन किया है धर्मवीर दिघे साहब के नाम से ठाणे जिले का वैद्यकीय मदद कक्ष, उसमें वो आए थे उनका छोटा सा बच्चू लेके, 6 महीने का बच्चू, और ये नगर जिले में रहते हैं, नगर में,
तो आदिवासी है ना उतना डेवलप नहीं है पूना बम्बई जैसा, फिर भी उनको हम लोग ये वैद्यकीय मदद कक्ष के ओर से इनको पूना में गया। आपको जानकारी होगी कि पूना में बहुत बड़ा अस्पताल है लता मंगेशकर के, मंगेशकर हॉस्पिटल के नाम से है, दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी, लता मंगेशकर जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर उनके नाम से बहुत बड़ा अस्पताल है। तो हम लोगों ने इनके बारे में मंगेश जी ने बहुत कोशिश की, मुख्यमंत्री जी को मिले और शिंदे साहब ने भी ये वो फॉलोअप किया और इनके बेटे का जो ऑपरेशन है जहाँ हार्ट में होल था, 6 महीने के बच्चों का हार्ट में होल था। बम्बई में यदि कोई बड़े अस्पताल में आप जाओगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा, लेकिन इनका तकदीर अच्छा है कि ये आपने मदद कक्ष में आए, वैद्यकीय मदद कक्ष में, और इनका जो ऑपरेशन है बेटे का एक भी पैसा खर्चा नहीं किया। वहाँ के डॉक्टर जगताप साहब है, उन्होंने आदित्य जिनके बेटे का नाम है, 9 महीने का बेटा है, उनका ऑपरेशन विनामूल्य कर दिया है और इन्होंने अभी ये थैंक्स गिविंग लेटर जो है मराठी में ये अपने को लिख कर दे दिया है एकनाथ जी शिंदे साहब के नाम से। ऐसा जो काम है ये बहुत बड़ा काम जो चल रहा है थाने ज़िले में वैद्यकीय मदद कक्ष के नाम से, धर्मवीर दिघे साहब का जो शिवसेना का मदद कक्ष है बाला साहेब ठाकरे के नाम से हम लोग ये कर रहे हैं, वंदनीय शिवसेना प्रमुख, और इसमें कोपरी में है उनके कार्यालय में, थाना जिले के सभी डॉक्टर्स कंसल्टेंट होने, रेडियोलॉजिस्ट होने दो, हार्ट स्पेशलिस्ट होने दो, स्किन स्पेशलिस्ट होने दो, ये सभी डॉक्टर इकट्ठा होते हैं, 10-10 कैंप में आ गए और यहाँ से अच्छी तरह से उन्होंने जाँच की, आँख की जाँच की, स्किन की जाँच की, पाँव की जाँच की, डायबिटीज़ की जांच की, ब्लड की जांच की, और ऐसे जो रुग्ण मिलते हैं यहाँ कि जिनका यहाँ इलाज नहीं हो सकता है उनको बम्बई के जो ख्यातनाम अस्पताल है उन्होंने हमको सहूलत दी है, महात्मा फुले आरोग्य जन योजना के अंतर्गत उनको वहाँ वहाँ भेजा जाता है। एंजियोप्लास्टी भी विनामूल्य होती है, हार्ट का जो ऑपरेशन है वो भी विनामूल्य होता है, बाकी जो बड़ी बीमारियाँ है भाई साहब वो भी विनामूल्य की जाती है। संजय नगर में से जी, तो इस कैंप में किस बीमारी की दवा लेने आई थी आप? मतलब शुगर का, शुगर का, हाँ, शुगर का हार्ट में थोड़ा तकलीफ था। कैसा अनुभव रहा आपका इस कैंप? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा, से इलाज भी हुआ, जांच भी हुआ, अच्छा बहुत अच्छा लगा देखने में और देख और कराने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, मतलब सारी चीज़ें एक जगह मिल गई। हाँ एक जगह मिल गई, बहुत अच्छे से हुआ, टाइम भी कम लगा जी। ठीक, आपका क्या नाम? आपका तमन्ना। कहाँ रहते हैं आप? संजय नगर। संजय नगर में किस बीमारी की दवा लेने आए? पेन चेस्ट के लिए। तो कैसा आप महसूस कर रही है इस कैंप में, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा, इतना हम लोग के लिए किया गया सबसे बड़ी बात है, थैंक यू। आपका क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम फिरदौस है और मैं शरीफा रोड पे रहती हूँ। यहाँ पे कैंप में आई मुझे बहुत अच्छा लगा, हर चीज़ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ, दवाइयाँ वगैरह और चश्मे का सुधार बहुत अच्छा है। इससे पहले और किसी कैंप में गई थी आप? जी नहीं, फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई जी, हाँ। तो पहली बार आई तो अच्छा लगा यहाँ के, हाँ। मतलब मैनेजमेंट देख कर जी, हाँ। और कहाँ रहते आप? संजय गुप्ता, संजय नगर में रहता हूँ अंदर। संजय नगर में, हाँ। तो कैसे लगा आपको इस कैंप में आने के बाद? अच्छा लगा। क्या बीमारी लेकर आए थे आप? बस ये मेरा फ्रैक्चर हुआ इसके लिए मतलब दवा दिए सब फ्री में दवा दी, हाँ सब। और आगे की ट्रीटमेंट के लिए क्या कहा गया आपसे? बोले मतलब कलवा हॉस्पिटल में मतलब आइए, वहाँ पे आपका फ्री में चेकअप होगा सब। हाँ इस कैंप में आकर के आपको सारी सुविधा एक ही जगह, हाँ, जगह, हाँ, हाँ, सब है, सब यहाँ पे एक्सरे सब चीज है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सिद्दीकी अस्मा। कहाँ रहती हो बेटा? कादर पैलेस। अच्छा ये कैंप में आई तुम क्या बीमारी का दवा लेने के लिए आई तुम? वो मेरे इसका स्किन का दर्द, मेरे हाथ में पसीना बहुत आता है, इसके लिए यहाँ के बहुत खुशी हुई। मैं तो चाहती हूँ हर साल लगे, पब्लिक आधा बीमारी दूर हो जाए। अच्छा लगा इस कैंप में आके, हाँ। सारी सहूलियतें मिली तुमको यहाँ पर जी। शिवसेना के माध्यम से मुमरा में बाबा जी पाटिल वाड़ी में आयोजित किए गए महाआरोग्य शिविर की ये पूरी जानकारी देने वाली और मुस्लिम महिलाओं द्वारा थैंक यू शिवसेना कहने वाली आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।